चाचा क्या हाल है? अल्लाह का करम है, ये जो फकीरों के दुश्मन है ना, वो नीचे सोया हुआ है। अगर वो अभी उसकी एसी कूलिंग कर रही है, वो आराम है। उसकी उशारी करना, कहते तुम्हारा ये पासा ही हो जुरियन सारी पटेगा। ये पाकिस्तानी कुत्ते हैं, दर पदर है। अगर यही कुत्ते दूसरे बाहर मुल्क में होते, उसके 10-10 नौकर है, बरस चीज में कुत्ते घूमते हैं, उनको कंघे अलग देते हैं, और दुलाता है, नौकर चाकर अलग है। इधर फकीर भी दर पदर है, कुत्ता भी दर पदर है। ये रात को भूख पे निकलते हैं, फिर कोई ना कोई गाड़ी स्पीड में लगती है, बेचारे खुरड़ी मार के मर जाते हैं। जैसे तू खुरड़ी लगा के सोचा जाए, तू भीख मांगता है रोज, कितने बनते हैं? यही 5-6। तेरा ध्यान उधर है, मतलब क्योंकि ये कुत्तों के खास, ये जो फकीरों के ना खास दुश्मन है। तो कितने रोज कमाते हो? 600-700 रुपए। और आपको ज्यादा कितने मिलते हैं, देने वाले या माफ करने वाले? देने वाले कम, और ये ना देने वाले अपनी ऐसी तैसी लेकर आए तो बहुत कुछ। तो तुम्हारे पास ये इसको रखो, अभी रिपीटर कंधे में डाल के फिर भीख मांगो, जो बोले माफ करो उसको नवड़िया कार तो ठोको। चाचा ये तुम क्या खा रहे हो, जो तुम्हारे भोलड़ी की तरह वात गाढ़ा है? हमारा खानदानी खोराक है। अभी मैं एक बात बताऊं जी, अभी छालिया जो है ना जी, वो हो गई है 3,000 रुपए किलो, और बादाम पिस्ते जो है ना वो है 1,500 रुपए किलो। तो तुम उसको अभी पान में बनवाओ, तो उसको बोलो तुम्हारे को बादाम डाल के दे तुम्हारी जान में, ताकि ये मूंगफली नहीं है, ये छालिया नहीं खाओ। छालिया थोड़ी है, हाँ खजी है, खजी है, तभी तो तू खजी का चीज हो गया। अभी मूंगफली मांग, वो जो छालिया है ना वो 3,000 का किलो है, और बादाम 1,500 का किलो है। अभी पान बनवाओ, उसको बोलो बाबा मेरे को बादाम डाल के दो, तो मेरी जान में ताकत आए, और ये छालिया वालिया नहीं खाओ, बादाम खाओ, बाडी बनाओ, जान बनाओ, नहीं तो कहीं गटर में गिर जाओगे, मर जाओ। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं। अपनी जिंदगी बर्बाद, लड़कियों के पीछे तालीम बर्बाद, फिर बोलते मौलवी साहब दुआ करो, बेरोजगार बैठे। चल तेरे को कुत्ता निकालते हो, और बादाम पिस्ते खाने, ये नुकसान कर रहे। आई लव यू।